घमंडी हाथी। एक जंगल में एक हाथी रहता था। वह बहुत घमंडी था। उसकी घमंड जानने वाले खरगोश, कछुआ, चूहा जैसे छोटे छोटे जानवर वह आ रहा हो तो रास्ते से हटकर भाग जाते। एक दिन वह हाथी जंगल में इधर उधर ऐसे ही घूमता हुआ एक चींटी के टीलों पर पैर रख दिया। इससे वह टील पूरा गिर गया। चींटियां बहुत मेहनत करके बनाए हुए टीलों को क्षण में ही नष्ट करने वाली हाथी पर बहुत गुस्सा आया। ओए, इतना बड़ा शरीर रहने पर क्या थोड़ी सी भी बुद्धि नहीं? हमारे टीलों को क्यों ऐसा नष्ट कर दिया? बोलकर चिल्लाए। फिर वह हाथी ने हंसते हुए कहा, किसकी इतनी मजाल, मुझे दिख नहीं रहे पर बेटे। किसकी इतनी मजाल, मुझे दिख नहीं रहे पर मुझे बातें सुनाई दे रही है। घमंडो, तुम छोटे छोटे जानवर हो और मुझे पलट कर जवाब दे रहे हो क्या? पहले ही टीलों का नष्ट होने की बाधा से वह चींटियों को हाथी के बातों से और ज्यादा गुस्सा आया। किसी भी तरह उसकी घमंड तोड़ने का निर्णय लिया। सारे चींटियों ने मिलकर एक तरकीब सोची। उस तरकीब के अनुसार तुरंत वे सब हाथी के पैर पर चढ़ गए। हाथी की त्वचा दृढ़ होने पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तब एक चतुर चींटी ने सोचा, हाथी के पैर बहुत नरम होते हैं, उधर काटने पर उसे जरूर दुखेगा। तुम सब पैरों के पास जाओ, मैं कानों में जाऊंगी। वह चींटी के कहने पर बाकी के सारे चींटियां हाथी के पैरों पर जाके काटने लगे। इससे हाथी ने दर्द में आंखें बंद कर ली। अंधे की तरह उछलने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा। कान की चींटी उसे एक बार काटा और कहा, अब पता चला ना, हम छोटे जानवरों की ताकत, अब बोलो हमारी ताकत ज्यादा है या तुम्हारी? चींटियों की खाटों से कुछ ना देख पाते हुए हाथी रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ से टक्कर खाके नीचे गिर पड़ी। छोटे होने से हमें नीचा दिखाने के लिए अच्छी सबक मिली करके वह सारे चींटियां खुशी से उछलने लगे। इस कहानी की नीति है कि बल से अधिक बुद्धि बल श्रेष्ठ है। बुरे मित्रों की कहानी। एक जंगल में एक मूस बीमार हुआ। वह बहुत कमजोर होने पर अब ना कहीं जा पाती और उसे ठीक होने के लिए और थोड़ा समय चाहिए था। तब तक वह मूस घास के लिए ना चल पाते हुए थोड़ी घास ज्यादा होने वाली जगह ढूंढ कर उधर ही आराम से रहने लगी। मूस के बीमार होने की खबर धीरे धीरे पूरे जंगल में पता चल गया। बीमारी से आराम कर रहे मूस की हालचाल पूछने के लिए बाकी के मूस आने लगे। उसे देखने सारे मूस आए करके बीमार मूस बहुत खुश हुई। मुझसे वे सब कितना प्यार करते हैं, बोलकर चौंक गई। हालचाल जानकर उस जगह को देख आश्चर्य हुए। कितना हरा भरा घास है यहाँ, करके तुरंत सब घास शर कर उधर से चले गए। ऐसे जाने वाले सारे मूस उस मूस की बीमारी की खबर के साथ साथ मैं मेरे मित्र के बीमार होने पर उसकी हालचाल पूछने गया। उधर बहुत ही नरम घास था, वो नहीं खाया तो क्या खाया? आहा, कितना स्वादिष्ट था। तुम भी ऐसे जाकर दो चार बातें करके जितना चाहे उतना खा के आओ ना। बोलते हुए घास वाली बात भी दूसरे मूसों को बताई। हरी भरी घास है जानकर सारे मूस भीड़ों में आकर हालचाल पूछने के बहाने से घास खाने लग गए। यह सब देखकर आराम करने वाली बीमार मूस परेशान हो गई। मुझे ना पहचानने वाले भी हालचाल पूछने के नाम पर आके जितना चाहे उतने घास खा रहे हैं। ऐसे तो मेरे ठीक होने तक पूरा घास खत्म हो जाएगा, तब मेरा क्या? बोलकर उदास हुई। लेकिन क्या फायदा, अगले दिन ही उधर की पूरी घास खत्म हो गई। अब ना कुछ कर पाते हुए बेचारी वो बीमार मूस चल ना पाने की स्थिति में भी जैसे तैसे करके दूसरी जगह ढूंढ लिया। और इस बार उसने ध्यान रखा ताकि उसकी पता किसी को पता ना चले।
इस कहानी की नीति है कि मन में खोट होने वाले मित्र शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक है। बाज और बिल्ली की कहानी। एक जंगल में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के छाल में एक बूढ़ा बाज रहता था। वह बाज अंधा था, इसके कारण वह कहीं बाहर नहीं जा पाता। उस पेड़ पे बहुत सारे पंछी भी घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रहते थे। वह पंछियां पूरा दिन भोजन ढूंढने में लग जाते। यह बूढ़ा बाज पंछियों के बाहर जाने पर उनकी बच्चों को अच्छे अच्छे कहानियां बोलते हुए ध्यान रखता। शाम को घर लौटने वाले पंछी उनके लाए हुए भोजन में थोड़ा सा बाज को भी देते। ऐसे समय बीतता गया। एक दिन वहाँ से गुजरता हुआ एक बिल्ली पेड़ पे खेल रहे पंछियों के बच्चों को देखा। आहा, बच्चे बहुत नरम हैं। इनका मांस तो बहुत ही अच्छा होगा। इतने स्वादिष्ट खाने को मैं अपने सामने रख कर पूरा जंगल घूमता रहा, सोचकर उन्हें खाने उस पेड़ पर चढ़ गया। उस बिल्ली को देख सारे पंछियों के बच्चे डर के चिल्लाने लगे। वह आवाजें सुनकर बाज छाल से बाहर आकर कौन है वो करके गुस्से में चिल्लाया। उस चिल्लाहट सुनते ही बिल्ली के ऊपर के प्राण ऊपर ही गए। उधर उन बच्चों के अलावा कोई नहीं सोचकर पेड़ चढ़ गया था, पर अब बाज को देख कांपने लगी। बचने के लिए उसे कोई रास्ता नहीं दिखा। जो होगा सो होगा, सोचकर साहस करके कहा, हाँ मैं एक बिल्ली हूँ, आपके आज्ञा के बिना इस पेड़ पर चढ़ के आने के लिए माफी चाहता हूँ। तब तुरंत बाज, क्या तुम बिल्ली हो? पहले इस पेड़ से उतरकर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे प्राण ले लूंगा, बोलकर चेतावनी दी। हाँ पर अब गुस्सा ना हो, मेरा जन्म बिल्ली जात का होने पर भी उस जात के लक्षण नहीं आए। मैं मांस नहीं खाता, ऊपर से ब्राह्मण हूँ। इस जंगल के पंछी जानवर तुम सब बहुत ही अच्छे हैं करके तुम्हारे लिए अच्छा ही सुनकर तुमसे दोस्ती करने के लिए आया हूँ, बिल्ली ने बहुत ही होशियारी से कहा। बिल्ली के बातें सुनकर बाज बहुत खुश हुआ। इससे बिल्ली बास की और तारीफ करने लगी। उस दिन से दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए। तब से हर दिन वह बिल्ली पंछियों के ना होने के समय पर बास के पास आकर एक घंटा बातें करके चली जाती। बिल्ली के मीठे मीठे बातों से पंछियों के बच्चे उससे अच्छे से मिल गए। ऐसे कुछ दिन बीत गए। फिर मौका देख हाथ आए हुए हर एक बच्चे को खाना शुरू कर दिया। बिल्ली खाने के बाद बिना किसी को दिखे उन बच्चों के हड्डियों को बाज के रहने वाले छाल में फेंक दिया। आगे आगे पेड़ पे रहने वाले पंछी अपने बच्चों को गायब होता देख वह सब एक दिन इकट्ठा होकर बाज के पास आकर अपने बच्चों के गायब होने वाले खबर पूछे। अंधा बाज उसे कुछ नहीं पता, लेकिन सारे पंछी बाज के घर जाकर देखा तो पूरा छाल पंछी के बच्चों की हड्डियों से भरा पड़ा था। बिल्ली के बारे में ना कुछ जाने बिना सारे पंछी बाज ही उनके बच्चों को मार कर खाया होगा, सोचकर उस बूढ़े बाज को अपने नुकीले चोंचों से वार कर करके मार दिया करके पीड़ित होते हुए बाज ने अपने प्राण छोड़े। इस कहानी की शिक्षा है कि जन्मजात के लक्षण मरने से भी नहीं मिटते। मूर्ख और लालची लोमड़ी। एक जंगल में एक लोमड़ी रहता था। उसे सब कुछ पाने का लालच था, लेकिन वह छोटा जानवर होने के कारण उसकी कोई भी इच्छा कभी पूर्ण नहीं हुई। कोई शेर या बाघ के शिकार करके खाने से बची हुई मांस को खाकर अपनी जिंदगी जीता। भगवान, जंगल के राजा शेर के अलावा ये लोमड़ी को बनाया तो अच्छा था। हर एक जानवर को भगाकर
अपना पंजा लड़ाकर मार्था और खुशी से पर्याप्त भोजन खाता। मेरे खाने से बची हुई मांस के लिए शेर भाग लड़ते हुए मरते। बोलकर दिन के सपने देखता हुआ वैसा होगा तो कितना अच्छा होगा सोचकर गिर गिर कर हंसने लगा। ऐसे चलते एक दिन एक शिकारी जंगल आया। उसे दूर में घास चरती हुई अकेली हिरन दिखी तो उसने तुरंत तीर का निशाना लगाकर हिरन पे छोड़ा। तीर लगते ही हिरन नीचे गिरकर मर गई। फिर उस हिरन को अपने पीठ पर रखकर शिकारी वापस चल पड़ा। वह थोड़ी दूर चलते ही हाथी दिखी। तुरंत निशाना लगाकर तीर छोड़ा। तीर बस थोड़े में ही छूटने पर हाथी घायल हुआ पर तुरंत प्राण नहीं गए। हाथी गुस्से में शिकारी पर कूद के उसे मारकर कुछ ही देर में हाथी भी विषैली तीर के घाव से मर गया। उस रास्ते से ही जा रहा लोमड़ी मरे पड़े हिरन हाथी और शिकारी को देखा। एक ही बार इतना सारा मांस देखने से खुशी में उछल पड़ा। तो वह तो पहले से ही लालची था ना। फिर शिकारी के बाजू में पड़े हुए पान के तार को देख कहा, आहा, यह मेरे लिए मांस का भंडार है। आदमी हाथी हिरन के मांस को आराम से खा सकूंगा, पर अब पहले इस तार से अपनी भूख बुझाऊंगा। बोलकर उस बांध से लिपटे हुए तार को काटा। तार टूटने से घुमा हुआ तीर जोर से लोमड़ी के दिल में चुभा और लोमड़ी मर गया। बेचारी लोमड़ी अपने हद से ज्यादा बढ़ने वाले लालच के कारण तीनों के मांस आराम से खाने के बजाय खुद के प्राण ही ले लिए। इस कहानी की शिक्षा है कि लालच बुरी बला है।